Hi friends, my name is Anamika and welcome back to my channel Anna's Recipes. Friends, क्या आपने सोचा है कि हम हर festival पे, हर occasion पे desserts ही क्यों खाते हैं? Friends, ये जो dessert होता है, ये सिर्फ tasty और delicious नहीं होता, ये हमें एक relationship में भी बांधता है. Friends, बनाते हैं आज एक ऐसा ही dessert. आज तक आपने केक्स खाए होंगे बहुत बटर के और काफी अनहेल्दी. आज बनाते हैं उन्हीं केक का एक टाइनी वर्जन और बनाते हैं एक फिलिंग पीनट बटर के साथ जो कि बहुत टेस्टी और काफी हेल्दी है. तो आइए देखिए मिनी केक्स विद पीनट बटर फिलिंग की ये रेसिपी. लेट्स लुक एट द इंग्रेडिएंट्स. फ्रेंड्स, मिनी केक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 and 1.5 कप्स ऑफ प्लेन फ्लावर और या मैदा. आप चाहें तो व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं इसकी जगह. हमें चाहिए 1 कप ऑफ फुल क्रीम मिल्क. हमें चाहिए अराउंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, थोड़ा सा वनीला एसेंस. और फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक गनाश बनाएंगे जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी चॉकलेट्स, 2 टीस्पून ऑफ बटर, 3 to 4 टीस्पून ऑफ पीनट बटर. फ्रेंड्स, ये पीनट बटर है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है. और अराउंड 1/2 कप ऑफ फुल क्रीम. तो आइए देखते हैं कि मिनी केक्स कैसे बनाते हैं. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ एक नॉनस्टिक पैन, गैस ऑन कर देती हूँ. उस पर मैं डाल देती हूँ फुल क्रीम. इस क्रीम को हम थोड़ा सा पकाते हैं. अब ये गर्म होने लगी है, अब डाल देती हूँ इसमें बटर, पीनट बटर. पीनट बटर डाल के अच्छे से इसे चला देते हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं. फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप बच्चों को खिला सकते हैं ब्रेकफास्ट में और एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं. अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा बटर, अराउंड 1 टीस्पून, सिर्फ मिक्सचर को थोड़ा ग्रीस करने के लिए. चला देते हैं अच्छे से. डाल देती हूँ थोड़ी चॉकलेट. अच्छे से मिक्स करना है. फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है. अब ये हो गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं. मिनी केक के बैटर के लिए मैंने ले लिया है एक बोल. इस बोल में मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून बटर. और शुगर. और इसे अच्छे से मिक्स करना है. आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी शुगर की जगह यूज़ कर सकते हैं. इसे हैंड ब्लेंडर से या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए. जब ये मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे दूध. थोड़ा सा दूध बचा लेंगे. मिक्स कर देंगे अच्छे से. अब इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी मैदा. फ्रेंड्स, मैंने मैदा में मैं बेकिंग पाउडर इसी में डाल देती हूँ. और ये मैदा और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर को इस बैटर में डाल देते हैं. अब इसे मिक्स करना है. मिक्स करना है बहुत अच्छे से. जो बाकी बचा हुआ दूध था वो भी डाल देती हूँ.
बनाएंगे इसका एक स्मूथ बैटर इस तरीके से, इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। इस पॉइंट पे थोड़ा सा वनीला एसेंस मिला देते हैं। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब ये बैटर एकदम रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोई है, हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए। अब मिनी केक्स बनाने के लिए चढ़ा दिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन। गैस ऑन कर देती हूँ और थोड़ा सा बटर मैं डाल देती हूँ सिर्फ तवे को ग्रीस करने के लिए। अब इस तवे पे हम इस बैटर को डालेंगे। हम एक साथ दो केक्स बना सकते हैं, हम छोटे छोटे बैटर डालेंगे। मैंने एक साथ दो केक के लिए बैटर डाल दिया है। फ्रेंड्स, हमें कोशिश करनी है कि ये जो साइज़ है केक का वो एक ही जैसा हो ऑलमोस्ट। आप चाहते हैं तो आप एक एक करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ ऊपर से। हमें इसे पकाना है तब तक जब तक कि ऊपर बबल्स ना आ जाएं। देखिए अब बबल्स आ चुके हैं, ये नीचे से सिक चुका है। अब इस पॉइंट पे इसे पलट देते हैं। इसे बहुत आराम से पलटना है हमें। ये देखिए, इसे भी पलट देते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से सिक चुका है और ये पीछे से भी अच्छे से सिक चुका है। अब इसे निकाल देते हैं। मैं अपने बाकी के पैनकेक्स भी इसी तरह बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाकी के पैनकेक्स रेडी हैं। अब हम करते हैं हमारे पैनकेक्स की गार्निशिंग। मैं लेती हूँ अपने पैनकेक्स एक प्लेट में। ये जो पीनट बटर की फिलिंग बनाई थी, इसे हम पैनकेक्स पे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और दूसरा केक पीस इस पे लगा देती हूँ। इसी तरह से बाकी भी केक्स हम सेट करके रख देते हैं। ये देखिए, इनको मैंने हाफ पीसेस में काट लिया है ताकि खाने में आसानी हो। जो पीनट बटर का मिक्सचर था वो मैं थोड़ा सा इन केक्स पे लगा के इन्हें डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि ये मिक्सचर ही अपने आप में बहुत टेस्टी है। ये इसके साथ खाया भी जा सकता है। डेकोरेट कर देती हूँ इसे कोको पाउडर से, स्प्रिंकल कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे मिनी केक्स विद पीनट बटर एकदम रेडी हैं। देखिए ये कितने टेस्टी और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कैसे लगे आपको ये मिनी केक्स विद पीनट बटर फिलिंग्स, प्लीज मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये डेजर्ट सीजन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, लाइक फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे ही करेक्ट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इज व्हाट वी नीड टू लिव अ गुड लाइफ। फ्रेंड्स, ऐसे ही एक चैनल है आस्क फॉर सक्सेस बाय शुभा आर्य। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब जरूर इस चैनल को देखें और लाइक करें। बाय।